बीए पार्ट थर्ड संस्कृत भरतवी कृति निधि सप्तम आज्ञा कीर्ति पालनम ब्रह्मणाम दान भोग वित्र संरक्षण चेषा एते सग गुणा न प्रवर्ता को अर्थ तेषा पार्थिव उप आश्रय प्रस्तुत श्लोक महाकवि भरतृ विरचित नीति सप्तम से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में गुण संपन्न राजा की सेवा करने पर बल देते हुए कवि भरतृ जी कहते हैं कि आज्ञा कीर्ति ब्रह्मणाम पालनम दानम भोग वित्र संरक्षण चेते सद्गुणा ऐसा न प्रवर्ता हे पार्थिव तेषाम उप आसनम को अर्थ आज्ञा जिस राजा के राज्य में अनुशासन हो कीर्ति जिस राजा का यश हो ब्रह्मणाम पालन विद्वान ब्राह्मणों का संरक्षण हो दान सुपात्र को दान देना भोग उपभोग के लिए जन समुदाय उपलब्ध करवाना मित्र संरक्षण और मित्रों का संरक्षण ऐसा एते सब गुणा में प्रवर्ता कि जिसमें उपयुक्त छह गुण विद्यमान नहीं होते को अर्थम तेसा पार्थिव उपासने हे राजन तेसा उपासने को अर्थम कि उनके राज्य में आश्रय लेने से क्या लाभ। प्रस्तुत पद्य का भाव ये है कि कवि भरत जी कहते हैं कि गुण संपन्न राजा की ही प्रजा के द्वारा सेवा करना चाहिए और राजा के लिए जो छह गुण आवश्यक है उनमें से आज्ञा पहला गुण है कि जिस राजा के राज्य में अनुशासन हो अर्थात जिस राजा के आज्ञा का निर्बाध गति से पालन हो कीर्ति जिस राजा का यश हो अर्थात राजा अच्छे कार्य करे उससे उसकी कीर्ति यश चारों दिशाओं में हो ब्रह्मणा पालन और विद्वान ब्राह्मणों का परिपालन जिस राजा के राज्य में हो दानम भोग मित्र संरक्षण और सुपात्र को दान देना योग्य व्यक्ति को दान देना भोग अर्थात जन सुविधाएं देना प्रजा के लिए जन सुविधाएं देना मित्र संरक्षण और मित्रों का संरक्षण एते सब गुणा ऐसा न प्रवर्ता के ये जो उपयुक्त छह प्रकार के गुण जिसमें नहीं है एते सब गुणा ऐसा न प्रवर्ता कि जिसमें उपयुक्त ये छह गुण उपलब्ध नहीं है हे पार्थिव हे राजन तेसा उप आश्रय को अर्थम उस राजा के राज्य में आश्रय लेने से
क्या फायदा अर्थात कोई मतलब नहीं। प्रस्तुत पद्य का भाव यही है कि राजा ने राजा के लिए ये छह गुण होना अनिवार्य है। आज्ञा, कीर्ति, विद्वान, ब्राह्मणों का आदर सम्मान, परिपालन, उचित पात्र को दान देना, जन सुविधाएं उपलब्ध करवाना और मित्रों का संरक्षण जिस राजा के राज्य में हो, ये उपयुक्त छह गुण जिस राजा में उपलब्ध नहीं है उस राजा की सेवा या उस राजा के राज्य में निवास करने का कोई प्रयोजन अर्थात कोई अर्थ नहीं होता। प्रस्तुत पद्य में साल निछंद है उपाश्रण और था किया गया है किम कारण अर्थ प्रयोजन इनके योग में तृतीय भक्ति का प्रयोग किया जाता है। यत धात्रा विधिभाग पट्टम लिखितम स्तोकम महद्वा धनम तथ्य प्राप्नोति मरुस्थले अपि निद्रा मेवो चै न अति अधिक तथ धीरो भव वित्वत्सु कृपणा वृत्ति वृथा मा वृथा कूपे पश्ये पयोनिधि वापि घटो ग्रहणाति तुल्यं जनम धात्रा स्तोकम महत्वा यद धनम धनम निर्वाह पट्टम लिखितम तत् मरुस्थले अपि वितरण प्राप्नोति मेरो च अतः अधिकम न ततः धीर भव वित्वत्सु कृपाणां वृत्ति वृथा मा वृथा पश्चे घटकूपे पयोनिधो अपि तुल्यं जलं गृह्णाति। प्रस्तुत पद्य नीति सप्तम से लिया गया है। धन प्राप्ति के लिए धनिक लोगों के सामने अपनी दीनता प्रकट नहीं करना चाहिए, इसी भाव को एक घट के द्वारा एक घड़े के जल के उदाहरण से बताया गया है कि धात्रा स्तोकम महत्व यत् धनम निज भाव पट्टम लिखित कि विधाता के द्वारा कम और अधिक धन जो व्यक्ति के भाग्य में लिख दिया गया है विधाता के द्वारा कम या अधिक जो धन निज भाग पट्टा लिखकर व्यक्ति के भाग्य में लिख दिया गया है तत् मरुस्थले अपि वितरण प्राप्नोति कि वह तो मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान में भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मेरो च अतः अधिकम न प्राप्नोति और इससे अधिक सुमेर पर्वत पर भी प्राप्त नहीं होगा। तत धीर भव इसलिए धैर्यवान बनो वित्वत्सु कृपणां वृत्ति के धनिक लोगों के सामने अपनी दीन वृत्ति वृथा व्य
कि देखो घड़ा कुएं और समुद्र में बराबर ही जल ग्रहण करता है। प्रस्तुत पद्य का भाव है कि धन प्राप्ति के लिए धनिक लोगों के सामने दीनवर्ती नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि विधाता के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा कम या अधिक जो धन भाग्य में लिख दिया गया है वह तो व्यक्ति मरुस्थल में भी प्राप्त कर लेगा, और जो भाग्य में लिखा हुआ धन है उससे अधिक तो सुनहरे सुमेरु पर्वत पर भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तत् धीरं भव के धैर्यशाली बनू, धैर्य रखू, वित्तवत्सु कृपाणां वृत्तिं वृथा मा कृथा, कि धनिक लोगों के सामने अपनी दीन वृत्ति व्यर्थ ही मत करो। पश्चे घट कूपे पयोनिधो अपि तुल्यं जल गृह्णाति, कि देखो जो घड़ा होता है उसको कुएं में भी आप जल भरोगे तब भी वो घड़े की जो क्षमता है घड़े के आकार के अनुरूप, और समुद्र से भी आप घड़े में जल भरोगे तब भी घड़े की क्षमता और आकार के अनुरूप ही घड़ा घट जल ग्रहण करता है। उसी प्रकार से जो धन विधाता के द्वारा भाग्य में लिख दिया गया है वह धन तो व्यक्ति चाहे मरुस्थल में रहे या सुमेरु पर्वत पर जाए लेकिन भाग्य से अधिक व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार से घड़े को एक कुएं में भी डुबोकर जल भरा जाए या फिर समुद्र में डुबोकर जल भरा जाए तो बराबर ही जल घड़े में मिलता है। इसलिए धनिक लोगों की सामने धन के लिए दीन वृत्ति नहीं अपनाने की प्रेरणा यहां पर कवि देता है। प्रस्तुत सरोवर में साधुन विक्रीतम छंद है। साधुन विक्रीतम छंद का लक्षण है सूर्य अश्वे मासजा स तथा स गुरुव सार्दुन छंद में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में गणों का क्रम मगन सगन जगन सगन तगन तगन और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। साधु विक्रीतम छंद में 12 और 7 पर यति होती है। अ करुणा त्वं
सूजन बंधुषु अस सहिष्णु प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मा। प्रस्तुत पद्य में कवि भरतगिरि दुर्जनों के स्वभाव का वर्णन करता हुए कहता है कि अकर्मत्वम अकारण विग्रह पर धने परियोषित स्प्रह सूजन बंदे जनेशु असुष्णता इदम ही दुरात्मन प्रकृति सिद्ध। अकर्मत्व निर्दयता अकारण विग्रह बिना काम के झगड़ा करना पर धने परियोषित और दूसरे के धन में लालसा रखना दूसरे की स्त्री की अभिलाषा करना सुजन बंधु जनेशु असहिष्णुता सज्जन व्यक्तियों के साथ और अपने भाई बंधुओं के साथ असहनशील न होना इदम ही दुरात्मान प्रकृति सिद्धम कि ये दुर्जन या दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है। प्रस्तुत पद्य में कवि दुर्जन व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि अकर्मत्व कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है वह निर्दय होता है उसमें कोई दया भाव नहीं होता। अकारण विग्रह बिना काम के लड़ाई झगड़ा करना पर धने परियोषित और दूसरे के धन की अभिलाषा या दूसरे के धन को ऐंठने का प्रयास करना परियोषित पराई स्त्री की अभिलाषा करना सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता सज्जन व्यक्ति और अपने बंधुजनों के प्रति सहनशील न होना इदम ही दुरात्मन प्रकृति सिद्धम कि यह दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव ही होता है। तो प्रस्तुत श्लोक का भाव यह है कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है वह निर्दय होता है उसमें और अकारण यानी कि बिना काम के वो लड़ाई झगड़ा करता है पराये धन की इच्छा करता है पराई स्त्री की अभिलाषा रखता है सज्जन व्यक्तियों और बंधुजनों के प्रति दुर्जन व्यक्ति सहनशील नहीं होता है। इस प्रकार का जो कार्य या जो उसकी वृत्ति या जो व्यवहार होता है वह दुर्जनों के स्वभाव के अंतर्गत ही होता है। प्रस्तुत पद्य में द्रुति विलंबित छंद है द्रुति विलंबित छंद का रखते हैं भगण और रगण होता है।